विष्णु भगवान की जय। भोले शंकर भगवान की जय। आज मैं सभी भक्तों को कार्तिक मास के पहले अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले हाथ धोएंगे। ओम अपवित्रा पवित्रा सर्वावस्थां पदुपे वाया स्मरे कुंडले काक्षा घंत्रः शुचि। फिर आप आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम मालवाय नमः। फिर आप हाथ धोएंगे और फिर थोड़े से पुष्प या अक्षत लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादी ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, हे सत्यभामा, के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूची बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आचार्य प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था,
किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु रूप में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप घरों पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताले तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। उस समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और संविदा लेने के लिए वन में हिमालय की तराई में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भैसे उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान। आज मैंने सभी भक्तों को कार्तिक मास के पहले अध्याय का मार्मम सुनाया है। आपको दूसरे वीडियो में कार्तिक मास के दूसरे अध्याय का मार्मम सुनाऊंगा। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।